जहां हमारे विरोधी अपोजिट पार्टी की सोच जहां खत्म होती है, हमारे मोदी जी की सोच वहां शुरू होती है। चुनाव जो 22 का है वो सिर्फ विकास के ऊपर है और ये विकास के ऊपर हमारी सरकार फिर बनने जा रही है। हमने क्या काम किया है? वामपंथियों और कम्युनिस्टों को ये जवाब सुनना चाहिए। वो केवल एक काम नहीं कर रहे धार्मिक, वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ये हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग का भाग्य है कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। मैं 10 साल से स्ट्रगल कर रहा था, मुझे अभी लास्ट 4 साल में ही सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं एम्प्लॉय बना हूँ, उसके बाद में मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि रोजगार भी मिल रहा है। विश्वनाथ मंदिर बहुत बढ़िया तरीके से, नया तरीके से तैयार हुआ है, बहुत सुंदर हुआ है। आप पूरे घाट घाट में मैं चल चल के आई हूँ, इतना सुंदर सजा हुआ है। हम तो यही कहेंगे जहाँ हमारे विरोधी अपोजिट पार्टी की सोच जहाँ खत्म होती है, हमारे मोदी जी की सोच वहाँ शुरू होती है। आज इतने साल हो गए, किसी ने, किसी का दिमाग नहीं, किसी ने सोचा कि हमारे देश से धारा 370 खत्म होगी, अयोध्या कांड जितने साल से, जब राम मंदिर बनेगा, विश्वनाथ जी काशी जो पुरानी पुरातन गलियों वाला शहर बदले, किसी ने नहीं सोचा था। इसलिए हम तो यही कहें, जो काम करेगा, जो विकास देगा हमको, हम सब उसके साथ है। बातों पे नहीं जाएंगे, काम देखेंगे, काम के साथ आगे बढ़ेंगे। महिला है क्या, आपको लगता है कि महंगाई बढ़ी है? मतलब महंगाई बढ़ी वास्तव में, लेकिन हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ते, बड़ी चीज़ों को नहीं देखते। जो छोटी चीज़ों हम लोग खर्चा जरूर करते हैं, महंगाई पर बोलते हैं, लेकिन जो बड़ा रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग भूल जाते हैं। ये महिला सुरक्षा को लेके भी बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ। सुरक्षा बहुत बढ़िया हो गई है, पहले से हम लोग बहुत बहुत सुरक्षित हैं। अब हम लोग शाम का समय, रात का समय कुछ सोचना नहीं रहता, अकेले ऑटो से जाना है, रिक्शे जाना है, अकेले बेधड़क अपने बच्चों को लेके निकल सकते हैं, कुछ सोचना नहीं रहता उसके लिए है। आज से 5 साल पहले की अगर बात करें तो नहीं, नहीं 5 साल पहले डर लगता था, निकल नहीं सकते थे, कहीं जाना हो बच्चों के पापा पूछेंगे, हमारे हस्बैंड घड़े के भर के बड़े बोलेंगे, अकेले हो गए, रात हो गई, नहीं जा रही हो, 7:30-8 बजे तक घर वापस आ जाना। लेकिन आज रात को 11 बजे अगर हम किसी ज़रूरी काम से गए, वापस आते हैं अकेले, कुछ भी नहीं सोचना है, बिल्कुल सेफ आज हम हैं। कुछ ऐसी हवाबाजी कर रहे हैं, विपक्ष को कुछ तो चाहिए बोलने के लिए। अगर आप भी उसमें अच्छे से हम लोग को सेफ करते तो उसमें आपकी भी हम तारीफ करते, हम अगेंस्ट किसी के नहीं है, आप भी उसमें काम करते हम आपके लिए भी तारीफ करते, लेकिन जो करेगा हम तो उसके लिए बोलेंगे। तो आपका 2022 में वोट किस? अब ये कहने की बात जो दिख रहा है सामने, इसके लिए कुछ कहने की बात है, लोकतंत्र है, जो करेगा वो पाएगा। अभी तो योगी मोदी हमारे मौका है। नहीं देना किसी और को, किसी को मौका नहीं, मौका बहुत दिया, बहुत मौका दिया, सबको देखा, सबको आजमाया, लेकिन जो विकास हमको इधर 5-7 सालों मिला वो आज तक कभी नहीं मिला। कोई इतने लोग खड़े, कोई बता दे विकास किसी को मिला हो इतने सालों में। जो कहा है, जिसने जो कहा है वो उतना समय करके दिखाया योगी ने, मोदी ने। मौका दिया जाएगा किसी और को? नहीं, कोशिश यही रहेगा कि जो काम कर रहा है उसी को मौका दें आगे आगे करने के लिए। हर महादेव। योगी जी मोदी जी की जोड़ी, आप लोगों को जैसे बोलते हैं ना कि राम और कृष्ण की, वो उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि बाबा स्वयंभू अपने भक्तों के माध्यम से ही कार्य करवा रहे हैं, और ये हमारे भारतवासियों के लिए और काशीवासियों के लिए नहीं, पूरे ब्रह्मांड के हिंदुओं के लिए गर्व की बात है कि जो आप खुद लोगों के चेहरे की हंसी बता रही है और खुद की कितना चेंजिंग हुआ है। हम तो ये बोलेंगे हर हर वीरू की जोड़ी फेमस, उसके बाद योगी मोदी की जोड़ी आई जय वीरू की जोड़ी के बाद। सपा कह रही है भाजपा का सफा, उस विपक्षी तो हमेशा चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाए चिल्लाने से क्या होता है, क्यों नहीं, क्यों सफा, सफा तो वो हो गए, सपा सपा जो है सफा हो गया, बुआ को लेके आए साथ में वो भी चले गए, अब फिर 2500 जो दल बना रहे हैं, राजभर का दल है तो ये दल है, कुछ चलने वाला नहीं है। देखिए 2000 का चुनाव जो 22 का है वो सिर्फ विकास के ऊपर है और ये विकास के ऊपर हमारी सरकार फिर बनने जा रही है। हमने क्या किया? 70 साल का जो हमारे देश इंडिपेंडेंस होने का बाद आफ्टर 70 ईयर्स ऐसा प्रधानमंत्री फर्स्ट टाइम मिला है, ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य है। क्या लगता है यूपी में फिर से योगी जी आने वाले? देखिए मैं तो यूपी का नहीं हूँ, लेकिन हमें बताओ इसी बार नहीं है, बार बार योगी मोदी आना चाहिए। अरे ये ड्रीम प्रोजेक्ट को लेके लड़ाई छिड़ गई है कि हमारा प्रोजेक्ट था, इन्होंने चुराया, ये फीता काट रहे हैं। देखिए चुराया, जब उनका राज्य था तब उन्हीं को कर देना चाहिए ना, अभी मोदी जी का राज्य है तो मोदी जी कर दिए तो यानी उन्होंने नहीं किया, आप सोच रहे हैं पहले लेकिन किए तो नहीं ना। मोदी जी ने यहाँ इतना कंजेस्टेड था विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का एरिया जो अभी इतना खाली दिखता है, आज के समय में इतना वो इतना बड़ा बना दिए हैं,
कि अरे मंदिर बनाने से विकास होगा, कहाँ है विकास? बना रहे हैं गरीबों का घर भी बना रहे हैं। उन्होंने जवाब तो उसका दिया अपने भाषण में ही कि हम जो भी करें दोनों काम कर रहे हैं। हम यदि केदारनाथ धाम का लोकार्पण कर रहे हैं तो चंद्रयान से मानव को अंतरिक्ष में भी भेज रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, केवल एक ही काम नहीं कर रहे हैं, चौमुखी विकास कर रहे हैं, यहाँ बोरवे भी बन रहा है मैडम। हाँ के विकास पे मतलब मोदी जी ने जो काम बताया कि हम बाबा विश्वनाथ जी का लोकार्पण कर रहे हैं, साथ में गरीबों का घर भी बना रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं उसका साथ साथ जो आलोचना जो लोगों के द्वारा वामपंथियों और कम्युनिस्टों के द्वारा की जाती है उनको ये जवाब सुनना चाहिए। वो केवल एक काम नहीं कर रहे धार्मिक, वो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सभी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। काम दिख रहे हैं सर 5 सालों में? जी हाँ बिल्कुल, काम तो इतना हुआ है कि अब इसके पहले की कोई सरकारों ने ऐसा कोई काम नहीं किया। ये ऐतिहासिक है, ये हम लोग समझ रहे हैं कि हम लोग का भाग्य है कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। सही बात है, ये इस देश का भाग्य है। काशी विश्वनाथ जी के लिए जो कॉरिडोर की जो व्यवस्था की गई है, अब बोल रहे हैं कि पहले सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था ये था वो, पता नहीं आपके मन में क्या हमारे मन में क्या है, जब हम बाहर निकालेंगे तभी पता चलेगा ना। ये सब उनका अब खुल रहा है, हम भारत के ऐसे व्यक्ति भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, आप उनके सानिध्य में हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसके लिए हम बहुत धन्य हैं इस जीवन पाकर कि ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जो साक्षात खुद आते हैं और अपना जो बोलते हैं ना विकास की बात, वो विकास लाइव सबको दिख रहा है। आज पूरी दुनिया देख रही है लाइव विकास को, जो विकास किया है मोदी जी जिस तरह से बनारस में। मैं भी जयपुर से हूँ, राजस्थान से हूँ, और हम 4-5 साल से मतलब लगभग हर साल यहाँ आ रहे हैं। जितना विकास हमने हर बार यहाँ में देखा है उतना शायद ही कहीं मतलब उन अलग कहीं दूसरी शासित सरकार में देखा इस राज्य में नहीं था ये। नहीं मैं 10 साल पहले भी आया था, तब इतनी गंदगी, इतना ज़्यादा बनारस मतलब गंदगी था, कंजस्टेड था, रोडों पर इतना जाम था, गाय भैंस मतलब सब रोड पर मिलती थी। आज बिल्कुल उल्टा है, उससे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे हद से ज़्यादा। यूँ देखते हूँ लगता है कि मैं यहीं रह जाऊँ, यहीं बस नहीं बस जाऊँ, यहीं पे मैं अपना वो देखूँ। साथ में मैं युवा हूँ तो ये भी कहूँगा कि जितना रोज़गार उन्होंने दिया है, औरों का मुझे पता नहीं, लेकिन हम थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे तो आपको ईजी वे में मिलेगा, जैसा मुझे मिला है। मैं 10 साल से स्ट्रगल कर रहा था, मुझे अभी लास्ट 4 साल में ही सेंट्रल गवर्नमेंट का मैं एम्प्लॉय बना हूँ, उसके बाद में मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि रोज़गार भी मिल रहा है, विकास भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और ऐसे ही प्रधानमंत्री को कम से कम 10 साल तक रहना चाहिए, जो इस देश को जो सोने की चिड़िया बोला जाता था उसी पुराने इतिहास को वो फिर से दोहरा सकें। अच्छा मैडम, हम वेस्ट बंगाल कल खड़गपुर से आए हैं और यहाँ आकर हम लोग देख रहे हैं मोदी जी जितना यहाँ पर डेवलपमेंट किया है। मैं एवरी ईयर आता हूँ और जो है मैडम मोदी जी आने के बाद नॉट ओनली वाराणसी, टोटल उत्तर प्रदेश और भारत में जितना काम कर रहे हैं ये मैंने बताने लायक नहीं है उनके बारे में वर्ड्स। अहिल्या जी जहाँ यहाँ पर ये करके गई है, उनके बाद यहाँ पर आज मोदी जी जितना यहाँ दिवाली का समान उत्सव हुआ रहा है। बाहर से आए आपको मतलब ऐसा लग रहा है कि बनारस में काम हुआ है? बहुत हुआ है। विश्वनाथ मंदिर बहुत बढ़िया तरीके से नया तरीके से तैयार हुआ है, बहुत सुंदर हुआ है। आप पूरे घाट घाट में मैं चल चल के आई हूँ, इतना सुंदर सजा हुआ है विश्वनाथ मंदिर को। तो अखिलेश यादव जी कह रहे हम बनवाने वाले थे, सीधा हुआ उन्होंने कागज कलम में बनाए मैडम जी, नहीं कागज कलम में बनाए हैं, अस्तित्व में बनाने वाले मोदी जी ही है, कागज कलम में सभी बनते हैं कुछ, लेकिन असल में नहीं। प्रोजेक्ट बोल रहे हैं मेरा था, वो तो बता रहे हैं। देखिए अभी बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन हर आदमी को मालूम है कौन क्या कर रहा है। हम देखिए, मैं कोई बीजेपी का नहीं हूँ ना मोदी का हूँ, मैं एक मामूली जनरल इंसान हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी जी, हमारा कोई परिवार का नहीं है ना कोई रिश्ता है, लेकिन मोदी जी का जो काम हो रहा है, जो यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री मैं सौभाग्य से मिला हूँ, मेरा जन्म धन्य हो गया ऐसा प्रधानमंत्री को आज यहाँ गंगा में देखकर।